हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स मोर जॉय, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर लाइफ। तो इस वीडियो पे आज हम ग्रुप थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखने वाले फॉर बीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो भी आपके थ्योरम्स प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, सब इस वीडियो पे आज हम देखेंगे। साथ में आपको ग्रुप थ्योरी के मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, नॉर्मल सब ग्रुप के, परमोटेशन ग्रुप के, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप के। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसके बाद हम नोट्स पे चलेंगे। फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप थ्योरम्स देख लो कौन से इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है प्रीवियस ईयर पर, तो वो आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नोट्स आप वहाँ पर थ्योरम्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है ग्रुप थ्योरी का, हम पूरा वन शॉट करेंगे फ्यूचर पे। जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का पूरा वन शॉट बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके क्लोज है थर्ड सेमेस्टर के और सेकंड ईयर के, तो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है और जो आपके नोट्स है, उनके लिंक सब मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। तो लास्ट टाइम पर आप उनको उनकी उन आपकी पीडीएफ्स की आप हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। बाकी फ्यूचर पे हम वन शॉट यहाँ पर देखेंगे ग्रुप थ्योरी के, लेकिन अभी वन शॉट बनाना आपका थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री भी है, फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के कैलकुलस भी आता है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री हमने बना दिया, कैलकुलस और आपके दूसरा ये है मैट्राइसिस वगैरह, उसमें आपका बनाना है। और आपके इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में रियल एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें भी आपका वन शॉट बनाना है। तो टाइम लगेगा, 15-20 दिन आपके लगेंगे ग्रुप थ्योरी के वन शॉट बनाने पे, तो इसको बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन इसमें क्लोज है, तो आप बाकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और जो क्वेश्चंस वगैरह है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पे हम। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है केलीज थ्योरम का। इसमें आपको मोस्टली ग्रुप थ्योरी पे प्रूफ्स ही देखेंगे क्वेश्चंस, वैसे आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते ग्रुप थ्योरी में। इसमें आपके जो प्रूफ है वहीं आपसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट और जो प्रूफ है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। कुछ आपके मोस्ट कॉमन है जो हर बार पूछे जाते हैं, उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। 5-6 क्वेश्चन जो आपके रोज हर साल आपके जो पूछे जाते हैं, वो आपके आते ही आते हैं हर साल, तो उन पर आपको ज़्यादा यहाँ पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है केलीज थ्योरम। केलीज थ्योरम बहुत बार पूछा गया है, पिछले साल भी आपसे पूछा गया था शायद 2022 पे। तो केलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख रहा हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका लैग्रांजी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजी थ्योरम, प्रूफ दैट द कन्वर्स ऑफ लैग्रांजी थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो लैग्रांजी थ्योरम हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2020, 21, 20, 19, 18, हर साल आपसे पूछा गया लैग्रांजी थ्योरम। लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा लैग्रांजी थ्योरम, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन चांसेस है कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में ही बनेगा। पूरा क्वेश्चन आपका बनता है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजी थ्योरम, और आपको ये भी प्रूफ करना होता है कि जो उसका कन्वर्स है लैग्रांजी थ्योरम का, वो ट्रू नहीं है। बहुत छोटा प्रूफ है, लेकिन फिर भी आपका ये लॉन्ग में पूछा जाता है, 17-18 मार्क्स पे, 17.5 मार्क्स पे तो पूछा जाता है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर 17.5 मार्क्स का अराउंड का क्वेश्चन आपका रहता है लॉन्ग का, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है लैग्रांजी थ्योरम का ये प्रूफ और इसका जो कन्वर्स है दोनों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप देख सकते हो, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है लैग्रांजी थ्योरम की, तो वो आप देख सकते हो, बहुत छोटा सा प्रूफ है। बाकी केलीज थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, इसको भी आपको देखना है केलीज थ्योरम को, या आपके कुछ नेम्स थ्योरम्स है जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमोटेशन इज एन इवन परमोटेशन, परमोटेशन ग्रुप से 4-5 आपके क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक आपका ये वाला क्वेश्चन है, जो आपके दो इवन परमोटेशन का प्रोडक्ट है वो भी आपका इवन परमोटेशन होता है, ये आपको प्रूफ करना है। फोर्थ है आपका फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट्स आपके ए और बी किसी भी ग्रुप जी के, उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इफ एंड ऑनली इफ जी इज एबेलियन। दो एलिमेंट्स हमारे पास है ए और बी के, जो किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहे, तो अगर आपका जी एबेलियन है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अबेलियन ग्रुप से, पहले वो चैप्टर पे ही आपको दिख जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप वाला जो चैप्टर है उसमें आपको दिख जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूफ करने वाला। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे सबके सब इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है 31 एक्सपेक्टेड थ्योरम ऑफ ग्रुप थ्योरी की, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा कंसाइज करके बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इन जी, जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच आपके पास कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स टू है इन अ ग्रुप जी, तो हमें प्रूफ करना है कि एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नॉर्मल सब ग्रुप और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ईजी चैप्टर से समझना, क्योंकि ईजी है आपका, अगर आपने ग्रुप वाला जो चैप्टर है वो आपने ईजी समझ लिया, तो आपका ये जो सब ग्रुप वाला है, ये नॉर्मल सब ग्रुप वाला है या साइक्लिक ग्रुप वाला है या आपका ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर है, ये आपको इजी पढ़ेंगे समझने में, अगर आपने ग्रुप वाला जो चैप्टर है अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। बस आपको प्रूफ की प्रैक्टिस करते रहनी है, जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए उनकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, बाकी सब आपके सिमिलर टाइप के ही प्रूफ्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
क्या पूछा गया है? जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच आपके पास कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है इन अ ग्रुप जी, तो हमें प्रूफ करना है कि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें प्रूफ करना है कि एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच और के अगर आपके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप है, हमें प्रूफ करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एच और के अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर आपका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन जो के है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, प्रूफ दैट एवरी क्वेश्चेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमें प्रूफ करना है कि हर एक क्वेश्चेंट ग्रुप किसी भी साइक्लिक ग्रुप का वो साइक्लिक है लेकिन इसका कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है। क्वेश्चन ग्रुप से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रूफ दैट ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो सेम होगा जनरेटर के ऑर्डर का, ये हमें प्रूफ करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रूफ दैट एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज अ सब ग्रुप ऑफ जी वेर एच वन एंड एच टू आर टू सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब क्या कि अगर आपके पास एच वन और एच टू दो सब ग्रुप है जी के तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आपका जी का सब ग्रुप होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। टेंथ क्वेश्चन देखो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पहले थ्योरम भी आपको दिख जाएगा, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो फर्स्ट में भी आपको दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप, इलेवंथ क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि दो आपके जो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन है ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अगर आपके पास एच और के दो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दोनों आपके नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा एच इंटरसेक्शन के ये भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी। तो नेसेसरी कंडीशन सफिशियंट कंडीशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है, पहले आप नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करोगे, उसके बाद आप सफिशियंट कंडीशन को प्रूफ करोगे किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच के लिए जो किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है, उसको सब ग्रुप होने के लिए, मतलब एच को सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए जी को बिलोंग कर रहा है और बी एच को बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई कर रहा है ए बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स ये आपका एच को बिलोंग करेगा वेर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या पूछा है प्रूफ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने प्रूफ यहाँ पर पूरा लिखना है। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ये सेम क्वेश्चन है जो टेंथ वाला था, मैंने फिर से लिख लिया इसको। फोर्टीनथ है, प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये मैंने फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये भी इलेवंथ वाला क्वेश्चन है जो हमने ये वाला देखा अभी। फिफ्टीन क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन ही फिर से लिख दिए गलती से, थर्टीनथ फोर्टीनथ और फिफ्टीनथ वाला, तो ये आपके सेम क्वेश्चन है जो आपके दसवा ग्यारहवा और बारहवा था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट देखो क्या है, सिक्सटीन क्वेश्चन बोला है, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। हमें प्रूफ करना है कि दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है जो किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है वो आपका एक सब ग्रुप है, उन दो सब ग्रुप का जो यूनियन है, अगर आपके पास एच और के है इनका जो यूनियन है इन दोनों सब ग्रुप्स का, ठीक है, जो आपके किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है वो आपका एक सब ग्रुप है, कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपका एक ग्रुप जो आपका एक सब ग्रुप है अगर आपका दूसरे ग्रुप में कंटेन सब ग्रुप में कंटेन कर रहा है तब आपका वो जो उसका यूनियन है वो सब ग्रुप है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या बोला है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, दो सब ग्रुप का जो यूनियन है, अगर एच और के ये आपके पास यहाँ पर दो सब ग्रुप्स है इनका जो यूनियन है और जो किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है ये आपका यूनियन एक सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। 17th क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक, किसी भी ग्रुप जी की जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो आपकी आइसोमॉर्फिक होती है टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। 17th क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दो तीन बार, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, वैसे तो आपके बहुत पहले पूछे गए, अगर इसको देखें तो 2011-9-8 में पूछे गए, लेकिन लेटेस्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूछने के लिए सभी आपके आ रखे, पहले तो आपके क्वेश्चन पूछे गए वहीं लिखे जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हाल ही पर रिपीट हो रखे 18, 19, 20, 21, 22 में, तो वो आपको मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कौन से आपके यहाँ पर रिपीट हाल ही पर हो रखे है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत बार आपने देखा होगा, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश विद कर्नल के टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश इज दैट के इक्वल्स टू ई। तो ये जो कंडीशन है ये हमें बतानी है, ये प्रूफ करनी है, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन किसी होमोमॉर्फिज्म एफ के लिए किसी ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी जो किसी ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है इनटू अ ग्रुप जी डैश विद कर्नल के
टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश, वो कंडीशन क्या है कि के इज इक्वल्स टू ई, कर्ली बेसिस में ई, ठीक है। 19 क्या है, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप जी इंटू अ ग्रुप जी डैश, देन प्रूव दैट एफ ई इक्वल्स टू ई डैश एंड एफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ए होल इनवर्स। लेट एफ आपका कोई होमोमॉर्फिक मैपिंग है ऑफ ग्रुप जी इंटू अ ग्रुप जी डैश, तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश एंड एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज नॉर्मल सब ग्रुप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म से। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने नहीं है। वैसे तो बहुत सारे थ्योरम्स है लेकिन दो तीन आपने देखा होगा बुक में भी, अगर आप अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे थ्योरम्स है जो बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उनमें आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है, वहीं क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आए, कोई और वहाँ से पूछा गए, अगर आपने वो क्वेश्चन भी अच्छे से कर रखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रखा और एग्जामिनेशन पे आपका नहीं आया, लेकिन इसका जो प्रूफ है वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि दूसरे प्रूफ आपको कैसे करते हैं उसी टॉपिक से बेस्ड। जैसे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के और थ्योरम्स भी होंगे यहाँ पर। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर रखा कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप जो दूसरे थ्योरम्स है उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है प्रूफ की, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपने पहले वाले जो उसके थ्योरम से अगर आपने अच्छे से करे हैं तो, ठीक है। 21 क्या है, शो दैट कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलर एम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शो दैट कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलर एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। 22 है यूनियन ऑफ टू, प्रूफ करना है यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप, दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 23 है डिफाइन द फ्लोइंग, कुछ आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो आपकी स्कोरिंग हो सकते हैं, अगर आपको कोई प्रूफ नहीं आता है किसी शॉर्ट, वैसे आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं, हो सकता है कि लॉन्ग में भी आ जाए पार्ट्स में, लेकिन जनरली ये आपके जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है शॉर्ट में भी आपके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर प्रूफ के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा प्रूफ का, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो, तो ये स्कोरिंग आपके हम इसको कह सकते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन, ये सबके साथ पूछे गए तब मैंने यहाँ पर लिख रखे, ऐसे ही नहीं लिख रखे कि कोई भी मैंने उठा के लिख दिया, पूछे गए प्रीवियस ईयर में, सब एक साथ नहीं पूछे गए, अलग अलग साल में पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पर एक साथ सब लिख दिए, तो इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एबेलियन ग्रुप हो गया, नॉन एबेलियन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन, नॉर्मलाइजर क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप, सिंपल ग्रुप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कम्यूटेटर ग्रुप, सब ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपके 13 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, इसमें से 3-4 आपसे लगातार पूछे जा सकते हैं एक ही पार्ट्स में, ठीक है। तो इसको आपको देखना है अच्छे से। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन, वैसे तो 3 क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए थे, 20 क्वेश्चन है आपके, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ आपके रिपीट हो गए थे, तो 20 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से देखने हैं। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, बाकी इसके जो PDF का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो वो भी आप देख सकते हो। प्रीवियस मैंने वीडियोस भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा ग्रुप थ्योरी का, तो कुछ वीडियोस हमने देख रखी है, बाकी फ्यूचर में तो इसका वन शॉट देखेंगी, लेकिन अभी के लिए आप इन थ्योरम्स को यहाँ पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके यहाँ पर हम नोट्स पे, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के नोट्स है ग्रुप थ्योरी के। सो ये आपके यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के नोट्स है, तो ये आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स के नोट्स हैं, रिटन नोट्स, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उसकी PDF का लिंक, तो ये डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तो वहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब के सब जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो। नॉर्मल सब ग्रुप का था ये आपका, फिर इसके बाद ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के, ये आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स के, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के, तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए वही मैंने लिख रखे, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो थ्योरम्स मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा, जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में वही हमने इंक्लूड इसमें कर रखे, ठीक है। तो इसको आपको देखना है अच्छे से यहाँ पर, बाकी इसमें आपके सब ग्रुप्स के नोट्स है, लैग्रांजी थ्योरम भी इसके अंदर ही आपका आता है, तो ये नोट्स भी आपको देखने हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट यहाँ पर परमोटेशन ग्रुप की है, ये आपका परमोटेशन ग्रुप वाला है, तो ये आपके परमोटेशन ग्रुप से वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो कम देखने को मिलेंगे, वैसे पूछे गए एक आध बार लेकिन कम आपको देखने को मिलते हैं, फिर भी ईजी है देख लेना, ज़्यादा इसमें कुछ आपका है नहीं। तो ये आपके परमोटेशन ग्रुप के हैं, सब ग्रुप्स के, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के और आपके नॉर्मल सब ग्रुप के, इनका जो आपका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है PDF का, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, बाकी आपको और कोई यहाँ पर डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ पर जो वेबसाइट है padhaikasafar.com की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसे ये इसके मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी नोट्स है पेपर्स है वो आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उन सब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वैसे मैंने वेबसाइट का लिंक नहीं दे रखा है, सीधा मैं PDF का लिंक आपको दे दूंगा कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, बाकी इधर उधर आप रीडायरेक्ट ना हो, तो
तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मैं नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं आपको नोट्स का लिंक आपको दूंगा, ठीक है। तो वैसे आपकी ये वेबसाइट है padhaikasabar.com, तो यहाँ से आप जितने भी PDFs वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और भी इसमें होंगे थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है PCM के, और सेकेंड ईयर के भी है, फर्स्ट ईयर के भी है, तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर, बाकी जो चीज़ें आप डाउनलोड यहाँ पर कर लेना, जितने भी ये नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का लिंक भी आपको नीचे मैं दे दूंगा। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है पहले, लेकिन फिर भी इस वीडियो पे नीचे आपको नीचे मैं जो PDF के लिंक है, 3-4 साल के पेपर है ग्रुप थ्योरी के, वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाकी वन शॉट वीडियोस आपके उसका आने वाला है वेक्टर कैलकुलस का, और फिर इसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स के केमिस्ट्री पे, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।